अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और हम देख रहे हैं जी बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट। उसकी एक सीरीज़ चल रही है हमारी, बहुत ही डिटेल में हम देख रहे हैं, डीपली उसको देख रहे हैं। और चूंकि पहले हमने दो पार्ट कर लिया, आज हम देखेंगे पार्ट थ्री, थर्ड पार्ट देखेंगे बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट का, जिसमें हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ बिहेवियरिज्म। हम देखेंगे कि किस तरह से बेसिकली बिहेवियरिज्म को स्टार्ट किया गया, किस तरह से कौन सी चीज़ें थी जो इसकी वजह बनी बिहेवियरिज्म को स्टार्ट करने की, या कौन सी साइकोलॉजिस्ट की ऐसी हरकतें थी जिसकी वजह से जेबी वॉटसन मजबूर हो गए कि यार ये काम तो ख़राब है और बिहेवियरिज्म को लाना चाहिए। ये तो बंदे, ये जो बंदे हैं ना, ये काम को ना मतलब के बहुत ऑथेंटिक वे में नहीं कर रहे, तो हमें वो एक स्कूल ऑफ थॉट और लाना चाहिए। ऑथेंटिक वे में कह सकते हैं कि वो कुछ लोग जब कुछ काम कर रहे होते हैं तो उसके बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसको अगर डिसअग्री कर रहे होते हैं, तो हम भी बहुत सारी चीज़ों पर डिसअग्री कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जो बिहेवियरिज्म वाले जेबी वॉटसन थे, वो भी डिसअग्री करते थे कुछ स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म पर। इसका ये भी मतलब नहीं है कि स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म की इंपॉर्टेंस ही नहीं है। नहीं, देखें जी, वजह तो वही बने हैं ना, और उनकी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस है, उनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है। और आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे फंक्शनलिज्म ही बेसिकली बिहेवियरिज्म की वजह बना है, और फंक्शनलिज्म की हेल्प के साथ ही बिहेवियरिज्म जो है डेवलप किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले दो पार्ट हमने देख लिए, पहले में हमने आपको एक हॉर्स के बारे में बताया था, सेकंड में हमने बिहेवियरिज्म की बेसिकली डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट देखे थे, आज हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, बाय द सेकेंड डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के जो दूसरी दहाई है उसके उसके साथ, फ्यूर देन 40 ईयर्स आफ्टर विलियम वुंड फॉर्मली लॉन्च साइकोलॉजी, जब साइकोलॉजी को लॉन्च किया गया फॉर्मली 1879 के अंदर, जो विलियम वुड ने लेबॉरेटरी बनाई थी, उससे 40 साल बाद क्या हुआ, द साइंस हैड अंडरगोन ड्रेस्टिक रिविजन। जो साइंस है उसने खुद को रिवाइज किया, एज अ साइंस के तौर पर यानी कि इमर्ज हुआ, उसने रिवाइज किया खुद को 40 साल बाद। ठीक है, अच्छा, नो लॉन्गर डिड ऑल साइकोलॉजिस्ट अग्री ऑन द वैल्यू ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। जो है साइकोलॉजिस्ट है ना, वो ज़्यादा देर अग्री नहीं कर सके, यानी कि अग्री नहीं रह सके किस पर, वैल्यू ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ मेंटल एलिमेंट्स और द नीड फॉर साइकोलॉजी टू रिमेन अ प्योर साइंस। इन चीज़ों पर ज़्यादा देर वो अग्री नहीं करे, यानी कि इन पर इतफाक नहीं कर सके ज़्यादा देर। द फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट वर री राइटिंग द रूल्स। जो फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट थे ना, वो चीज़ों को अपने हिसाब से राइट कर रहे थे। कैसे राइट कर रहे थे, यूजिंग साइकोलॉजी इन वेज दैट वर अनएक्सेप्टेबल एट लिप्जिक एंड कर्नल। ये उस तरह से लिख रहे थे जो कि ना लिप्जिक में एक्सेप्टेबल थी ना कर्नल में। ठीक है, यानी कि वो लोग इनसे इतफाक नहीं करते थे जैसे ये चीज़ों को बयान कर रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे या डिवेलप कर रहे थे, सिंपल अल्फाज में अगर बोले तो। उसके बाद है जी, द फंक्शनलिस्ट डिड नॉट सेट आउट डिलिबरेटली टू डिस्ट्रॉय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुंड एंड इमिटेशनर। जो फंक्शनलिस्ट थे ना, वो जानबूझ के इसको गलत साबित नहीं कर रहे थे, विलियम वुंट और जो ईबी टीचनर का स्ट्रक्चरलिज्म था ना। अच्छा, ये एक सीरीज बन रही है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें वजह बनी हैं और कैसे कैसे चीज़ें प्रोसेस हुई हैं, उसके बाद फंक्शनल बिहेवियरिज्म डेवलप हुआ है, तो इन चीज़ों को उस तरह से देखना है आपने। ठीक है जी, अच्छा, जो उस वक्त फंक्शनलिस्ट थे ना, वो उन्होंने इसको गलत साबित करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की जो स्ट्रक्चरलिज्म था। अच्छा, इसके बजाय उन्होंने क्या किया, इंस्टेड दे मॉडिफाइड इट। उन्होंने फिर उसको मॉडिफाई, स्ट्रक्चरलिज्म को ही मॉडिफाई कर दिया, स्ट्रक्चरलिज्म को ही मॉडिफाई किया, एडिंग अ बिट हेयर एंड चेंजिंग समथिंग देयर। उन्होंने कुछ इधर उधर चेंजेस किए उसमें स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, सो दैट ओवर द ईयर्स अ न्यू फॉर्म ऑफ साइकोलॉजी इमर्ज। फिर उसके बाद एक नई साइकोलॉजी, फॉर्म ऑफ साइकोलॉजी इमर्ज हुई, जिसको फंक्शनलिज्म बोला गया। ठीक है, हम तो ये समझते हैं ना कि फंक्शनलिज्म कलैदा से आया, ऐसा नहीं है, फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म की ही मॉडिफिकेशन है थोड़ी सी आगे। उन्होंने बात की थी स्ट्रक्चर की, इन्होंने बात कर दी फंक्शन की। ठीक है जी, तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी, यानी कि ये ना बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रांगली कंडेम नहीं कर रहे थे स्ट्रक्चरलिज्म को, उसके साथ स्ट्रांगली डिसअग्री नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने उसी को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके एक नया स्कूल ऑफ थॉट दे दिया, ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। उसके बाद फिर क्या हुआ है, दे सॉ देयर टास्क नॉट एज ब्रेकिंग विद द पास्ट बट बिल्डिंग ऑन इट। अच्छा, उनका जो उन्होंने पता क्या, उनकी जो अप्रोच थी वो ये थी कि उन्होंने जो पास्ट की अप्रोच थी ना, पास्ट का जो स्कूल ऑफ थॉट था यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म, उसको उन्होंने ब्रेक डाउन नहीं किया, उन्होंने उसको रद्द नहीं किया, बट बिल्डिंग ऑन इट, उसी पर अपना स्कूल ऑफ थॉट डेवेलप कर दिया। जो बिहेवियरिज्म है ना, ये दोनों को क्या करता है, रद्द करता है, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म को, जबकि जो फंक्शनलिज्म वाले थे उन्होंने उसको रद्द नहीं किया,
उसको तबाह नहीं किया, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उसी पर अपना स्कूल ऑफ थॉट डेवलप कर दिया। दस द सिचुएशन इन अमेरिकन साइकोलॉजी इन द सेकेंड डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी वॉज दैट फंक्शनलिज्म वॉज मेच्योरिंग। जो सेकेंड डेकेड था ना, उसमें क्या था, फंक्शनलिज्म मेच्योर हो रहा था, यानी कि वो डिवेलप हो रहा था, वो इमर्ज हो रहा था, वो आप कह सकते हैं फेमस हो रहा था। वाइल स्ट्रक्चरलिज्म मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग बट नो लॉन्गर एक्सक्लूसिव पोजिशन। उस वक्त स्ट्रक्चरलिज्म भी अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर था, यानी कि वो एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा उसको पजीराई नहीं मिली, यानी कि बहुत देर तक नहीं वो एग्जिस्ट कर सका। ठीक है जी, ये बता रहे फंक्शनलिज्म के बारे में। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं, अब बात शुरू होगी जी बिहेवियरिज्म की, कैसे निकला वो। द ईयर 1913 ब्रॉट अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। फिर 1913 के अंदर इनकी इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स की मुखालफत शुरू हो गई, डेलिब्रेट ब्रेक विद बोथ ऑफ दीज पोजिशंस, इन दोनों के बारे में मुखालफत शुरू हो गई, ऐलान जंग हो गया। ये उन्होंने वैसे ही बोला है एक तरह का, यानी कि उन्होंने बताया 1913 में बेसिकली इसके बारे में इन दोनों के खिलाफ बात होना शुरू हो गई कि यार ये नहीं सही अप्रोच है ना किसी पर्सनैलिटी को स्टडी करने की। उसके बाद फिर क्या है, प्रोटेस्ट मूवमेंट बिगेन दैट वाज इंटेंडेड टू डिस्ट्रॉय द ओल्डर पॉइंट्स ऑफ व्यू। फिर जो एक मूवमेंट स्टार्ट हुई इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को रद्द करने की, ठीक है, जो स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म था 1913 के अंदर, याद रखें स्टार्ट हुआ है काम ये बिहेवियरिज्म वाला। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे सीरीज के साथ कैसे कैसे चीजें डेवलप हुई हैं। ठीक है, थोड़ा सा शायद आपको बोरिंग लगे, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा आपको, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग वे में किसी के साथ आर्गू कर सके, आर्गूमेंट्स कर सके, उनको दलीलें दे सके। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली बात जो है कि उन्होंने मतलब कि नई नया स्कूल ऑफ थॉट नहीं बनाया, बल्कि स्ट्रक्चरलिज्म को ही मॉडिफाई कर दिया, ये बात शायद आपने पहले ना पढ़ी हो, अगर पढ़ी थी फिर भी बताइएगा कमेंट में, अगर नहीं पढ़ी थी फिर भी बताइएगा। अच्छा, उसके बाद है जी, इट्स लीडर वांटेड नो मॉडिफिकेशन ऑफ द पास्ट। जो बिहेवियरिज्म का था ना, यानी कि जो जो हुई थी मूवमेंट स्टार्ट, वो बेसिकली बिहेवियरिज्म की ही मूवमेंट थी। अच्छा, इसका जो लीडर था ना, वांटेड नो मॉडिफिकेशन ऑफ द पास्ट, ये नहीं चाहता था कि मैं पास्ट को ही मॉडिफाई करके अपना स्कूल ऑफ थॉट दे दूं, जैसे फंक्शनलिज्म वालों ने किया था, स्ट्रक्चरलिज्म को मॉडिफाई करके एक उन्होंने स्कूल ऑफ थॉट दे दिया था। एंड नो कंप्रोमाइज विद इट, और उस पर कंप्रोमाइज भी नहीं करना चाहता था वो, ठीक है ना, वो पास्ट को मॉडिफाई करना चाहता था, ना इस पर कंप्रोमाइज करना चाहता था जैसे फंक्शनलिज्म वालों ने किया स्ट्रक्चरलिज्म पर। दिस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वाज कॉल्ड बिहेवियरिज्म। इस मूवमेंट को बिहेवियरिज्म कहा गया, एंड इट वाज प्रमोटेड बाय 35 ईयर्स ओल्ड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जेबी वाटसन, और इसको प्रमोट किया जेबी वाटसन में, जिसकी एज थी 35 ईयर्स। जस्ट 10 ईयर्स अर्लियर इन 1903, चीको 1913 में स्टार्ट हुआ ना, उससे 10 साल पहले उसने क्या किया था, वाटसन हैड रिसीव्ड पीएचडी फ्रॉम जेम्स रॉलैंड एंजल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। उन्होंने जेम्स रॉलैंड से यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में यूनिवर्सिटी की डिग्री ली, पीएचडी की डिग्री ली। वेन इट वॉज द सेंटर ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी, उस वक्त जब वो फंक्शनल साइकोलॉजी का सेंटर था, यानी कि उस वक्त फंक्शनल साइकोलॉजी वहां पर प्रोमिनेंट थी। वन ऑफ द टू मूवमेंट्स वाटसन सेट आउट टू स्मैश, यानी कि ये फंक्शनलिज्म क्या था, ये उन दोनों मूवमेंट्स में से एक मूवमेंट थी जिसको इसने स्मैश आउट करना था, स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म। उस वक्त फंक्शनलिज्म वहां पर सेंटर ऑफ अटेंशन था। ठीक है जी, तो ये इस तरह से कहानी चली। आगे बढ़ते हैं। दीज बेसिक आइडियाज ऑफ द बिहेवियरिस्ट मूवमेंट डिड नॉट ओरिजिनेट विद वाटसन। अच्छा, वो ये कहता है कि ये जो बेसिक आइडियाज है ना बिहेवियरिस्ट मूवमेंट के, ये वाटसन से ही स्टार्ट नहीं हुए, उससे बहुत पहले स्टार्ट हो चुके थे, यानी कि उसके बारे में बात होना शुरू हो गई थी। जो एक स्कूल ऑफ थॉट दिया है वो बेसिकली बिहेवियरिज्म ने दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि काम ही इसने स्टार्ट किया, काम बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था बिहेवियरिज्म के जो कॉन्सेप्ट है ना उस पर। अच्छा, बट हैड बीन डेवलपिंग फॉर सम टाइम इन साइकोलॉजी एंड इन बायोलॉजी। साइकोलॉजी और बायोलॉजी में ये डेवलप हो रही थी चीजें। लाइक ऑल फाउंडर्स वाटसन ओरिजिनेट एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रमोटेड आइडियाज एंड इश्यूज दैट ऑलरेडी वर एक्सेप्टेबल टू द इंटेलेक्चुअल जाइटगेस्ट। वो कहता है कि तमाम फाउंडर्स की तरह वाटसन ने इन तमाम आइडियाज को ऑर्गेनाइज किया, फिर उसके बाद प्रमोट किया, एंड इशूज दैट ऑलरेडी वर एक्सेप्टेबल। ये वाले जो इशूज थे ना, ये मतलब ये जो आइडियाज इसने दिए थे वो पहले से एक्सेप्टेबल थे, जो इंटेलेक्चुअल थे ना उस वक्त के, वो पहले से ही एक्सेप्ट करते थे उन चीज़ों को, ठीक है, उन पर इत्फाक करते थे, अग्री करते थे, लेकिन इनको इकट्ठा करके एक स्कूल ऑफ थॉट की शक्ल में बिहेवियरिज्म वाटसन ने दिया था। कंसीडर देन द मेजर फोर्सेज वाटसन इफेक्टिवली ब्रॉट टूगेदर टू फॉर्म हिज सिस्टम ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी। उसने फिर कुछ फोर्सेज को इकट्ठा किया अपना स्कूल ऑफ थॉट देने के लिए, जैसे ऊपर भी हमने बात की है,
कौन कौन सी थी? द फिलोसफिकल ट्रेडिशन ऑफ ऑब्जेक्टिविज्म, ऑब्जेक्टिविज्म था एक, ऑब्जेक्टिविज्म का मतलब होता है कि एग्जैक्ट चीज़, यानी कि जिसमें शक व शुबा या बहस की गुंजाइश ना हो, जैसा कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो जिसको हम कहते हैं। एंड मैकेनिज्म, मैकेनिज्म की भी बात की थी। एनिमल साइकोलॉजी एंड फंक्शनल साइकोलॉजी, इन सब को उन्होंने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद एक स्कूल ऑफ थॉट बना के उन्होंने सामने प्रेजेंट कर दिया, जिसको बिहेवियरिज्म बोला गया है। ठीक है जी, इस तरह से ये डेवलप हुई चीजें। उसके बाद है जी, द रेकग्निशन ऑफ नीड फॉर ग्रेटर ऑब्जेक्टिविटी इन साइकोलॉजी हैज अ लॉन्गर हिस्ट्री। ये जो ऑब्जेक्टिविटी है ना, वो कहते हैं इसकी लंबी हिस्ट्री है। जैसे हमने ऊपर भी बात की कि ये वाटसन से शुरू नहीं हुई, इसकी लंबी हिस्ट्री है। इट कैन बी ट्रेस्ड टू डिस्कार्टीज, ये डिस्कार्टीज तक जाती है, हुज मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी वर अमंग द इनिशियल स्टेप्स टू वर्ड एन ऑब्जेक्टिव साइंस। यानी कि जिस तरह से उसने बताया कि जो ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस हैं वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साइंस की मतलब ऑब्जेक्टिव साइंस के टूवर्ड्स हैं। ठीक है, यानी कि वो उनसे ही उनको उस तरह से ही हम देख सकते हैं। उसके बाद है, मोर इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ऑब्जेक्टिविज्म इज द फ्रेंच फिलोसोफर। ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी के अंदर, ऑब्जेक्टिविज्म के अंदर फ्रेंच फिलोसोफर भी हैं, जिसका नाम ऑगस्टी कॉम्टी है, फाउंडर ऑफ द मूवमेंट नोन एज पॉजिटिविज्म। ये पॉजिटिविज्म के फाउंडर भी हैं। दैट एम्फसाइज्ड पॉजिटिव नॉलेज, द ट्रूथ विच वॉज नॉट डिबेटेबल, जिसने पॉजिटिव साइकोलॉजी को दिया था, पॉजिटिविज्म को दिया था, जो कहता था कि ये जो नॉलेज है या फैक्ट्स है जिन पर बात की जाती है, वो ट्रूथ होता है जिस जो डिबेटेबल ना हो। और ऑब्जेक्टिविज्म के अंदर भी ऐसा ही होता है। ये इस तरह से रिलेट करेंगे कि पॉजिटिविज्म के अंदर उसने वो बोला बोला कि वो ट्रूथ हम डिस्कस करेंगे जो कि डिबेटेबल ना हो, और डिबेटेबल चीज़ें वही वो वाली चीज़ें ही हैं जो नॉन डिबेटेबल होती हैं, जो ऑब्जेक्टिव होती हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, यानी कि जिसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं होती, वही नॉन डिबेटेबल होती हैं। तो ये पॉजिटिविज्म के साथ ऐसे हम इसको रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका भी रोल था ऑब्जेक्टिविज्म के अंदर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कॉम्टी द ओनली वैलिड नॉलेज इज दैट विच इज सोशल इन नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल। वो कहता है कि वही नॉलेज वैलिड होगा जो सोशल होगा, जो नेचर में सोशल होगा और ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल होगा, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें ऑब्जेक्टिवली, जिसमें कोई शक व शुबा की बात ना, वो सोशल में सोशल भी होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। अच्छा, दीज क्राइटेरिया रूल आउट इंट्रोस्पेक्शन। इस क्राइटेरिया ने इंट्रोस्पेक्शन को रूल आउट कर दिया, उसने उसको रद्द कर दिया। विच डिपेंड्स ऑन अ प्राइवेट इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व, जो कि इंडिविजुअल के प्राइवेट कॉन्शियसनेस की बात करता है और उसको ऑब्जर्व भी नहीं किया जा सकता। इसकी इस चीज़ ने भी कॉन्शियसनेस को रद्द कर दिया था, इसलिए इसका थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र किया गया है कि इसका भी रोल है बिहेवियरिज्म के अंदर। ठीक है जी, ऑगस्टी कॉम्टी। थोड़ा सा ये प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाए तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, बाज दफ़ा वो कोई लोग इसी तरह पढ़ रहे होते, कोई लोग किस तरह। तो आगे बढ़ते हैं जी, बाय द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी पॉजिटिविज्म हैड बिकम पार्ट ऑफ द साइंटिफिक ज़ाइटगाइस्ट। उस जो अर्ली ईयर्स थे 20th सेंचुरी के, उस वक्त पॉजिटिविज्म जो था उस वक्त माना जाता था, उस वक्त के टाइम में। साइंटिफिक ज़ाइटगाइस्ट का मतलब तो उस वक्त के जो लोग हैं उसको मान रहे होते हैं। Thus, by the time Watson set to work on his behaviorism, the objectivist, mechanistic and materialistic influences were so pervasive that they led inevitably to a new kind of psychology. फिर इन सब चीज़ों ने मतलब के लीड किया नई साइकोलॉजी की तरफ, one without consciousness, जो कि consciousness के बगैर थी, mind और soul, इन चीज़ों इन तीनों चीज़ों के बगैर थी, जिसको behaviorism बोला गया है। वन दैट फोकस ऑन ओनली वट कुड बी सीन, वो वाली साइकोलॉजी जो फोकस करती थी उन चीज़ों पर जो कि सीन की जा सकें, हेयर की जा सकें और टच की जा सके, जिनको देखा जा सके, सुना जा सके और छुआ जा सके, यानी कि बिहेवियरिज्म इन चीज़ों पर बात करता था। उसके बाद क्या हुआ, द रिजल्ट वॉज अ साइंस ऑफ बिहेवियर दैट व्यूड ह्यूमन बींग एज अ मशीन्स। फिर उसका रिजल्ट क्या निकला कि साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म रिजल्ट वाज अ साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म, साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म का था दैट व्यूड, जो कि क्या करता है, ह्यूमन बीइंग्स को देखता है मशीन की तरह। ये भी याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि किसने ह्यूमन बीइंग्स को मशीन्स बोला है, तो वो जेबी वाटसन ने बोला है। ठीक है, तो जब ये चीज़ें निकल के सामने आई, बिहेवियरिज्म आया, तो उन्होंने बोला कि ह्यूमन बीइंग्स बेसिकली मशीनों की तरह काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये थी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बिहेवियरिज्म की। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे कैसे ये चीज़ें डेवलप हुई हैं। इसको एक सीरीज में देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। तेज़ी से इसको कर लेते हैं हम रिवाइज। 40 साल बाद क्या हुआ, साइंस ने खुद को, साइकोलॉजी ने खुद को एज अ साइंस रिवाइज किया। ठीक है, कुछ लोग जो साइकोलॉजी से ज़्यादा देर इंट्रोस्पेक्शन एलिमेंट्स और उसके बाद साइंस पर अग्री नहीं कर सके। फिर उसके बाद फंक्शनलिज्म क्या किया,
उन्होंने उस तरह से चीज़ों को डेवलप किया जो कि एक्सेप्ट नहीं की जा रही थी लिप्जिक में और कर्नल यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद क्या हुआ, ईबी टिचनर को उन्होंने रद्द नहीं किया, उन्होंने यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म को रद्द नहीं किया फंक्शनलिज्म वालों ने, बल्कि उसी को मॉडिफाई करके अपना स्कूल ऑफ थॉट दे दिया। उसके बाद उन्होंने पास्ट को ख़त्म करने की बजाय उसी उसी के ऊपर डेवलप किया, बिल्ड कर ली चीज़ें। जबकि सेकेंड डिकेड ऑफ 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, फंक्शनलिज्म डेवलप कर रहा था जबकि स्ट्रक्चरलिज्म भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन वो ज़्यादा देर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सका। 1913 में फिर एक नया एक बहस शुरू हो गई, एक जंग का ऐलान हो गया, एक मूवमेंट स्टार्ट हुई स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के खिलाफ, जिसका लीडर था जेबी वॉटसन। ठीक है, वो पास्ट पर ना सिर्फ ना पास्ट को मॉडिफाई करना चाहता था, ना उस पर कंप्रोमाइज़ करना चाहता था। उसने 1903 में पीएचडी की डिग्री हासिल की शिकागो यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर फंक्शनल साइकोलॉजी सेंटर ऑफ अटेंशन थी। तो ये उन्हीं में से एक थी जो उनको जिनको ये स्मैश करना चाहता था। अच्छा, बिहेवियरिस्ट मूवमेंट के जो बेसिक आइडियाज़ वो वाटसन तक ही महदूद नहीं, बल्कि उससे पहले ही डिस्कस होना शुरू हो गए थे। इसने क्या किया, बस उनको इकट्ठा किया और एक स्कूल ऑफ थॉट में प्रेजेंट कर दिया। उसके बाद क्या है, कुछ फोर्सेस को इनको इकट्ठा किया था, जो उनमें कौन कौन सी थी, ट्रेडिशन ऑफ ऑब्जेक्टिविज्म, मैकेनिज्म, उसके बाद एनिमल साइकोलॉजी और फंक्शनल साइकोलॉजी। रेकग्निशन ऑफ नीड फॉर ग्रेटर ऑब्जेक्टिविटी इन साइकोलॉजी हैज़ अ लॉन्गर हिस्ट्री, इसकी लंबी हिस्ट्री है, जिसमें ऑगस्टो कॉम्टी भी अपना रोल प्ले करता है, जो कहता है कि ट्रूथ तो सिर्फ वही होता है जिसको डिबेट जो डिबेटेबल ना हो। पॉजिटिविज्म उसने दिया था, ठीक है, और ये कहता था कि जो नॉलेज वही वैलिड होता है जो सोशल होता है नेचर में, और उसके बाद ऑब्जेक्टिवली उसको ऑब्जर्व किया जा सके, जिसने क्या किया, इंट्रोस्पेक्शन को रद्द कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अर्ली ईयर्स ऑफ 20वीं सेंचुरी पॉजिटिविज्म हैड बिकम द पार्ट ऑफ, उस वक्त पॉजिटिविज्म को माना जाता था। फिर उसके बाद जो बिहेवियरिज्म आया, उसमें क्या हुआ, एक नई स्कूल ऑफ साइकोलॉजी डेवलप हुई, जिसमें जिसने कॉन्शियसनेस वगैरह को, सोल वगैरह को, माइंड वगैरह को रद्द कर दिया, और उसने बोला कि सिर्फ ये उसी पर फोकस करेगा जो कि देखा जा सके, सुना जा सके, छुआ जा सके। और उसके बाद फिर क्या हुआ, रिजल्ट वाज़ साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म, साइंस ऑफ बिहेवियर सामने आई, जो कि लोगों जो कि ह्यूमन बीइंग्स को एज अ मशीन देखती है। तो ये था जी हिस्ट्री ऑफ बिहेवियरिज्म पार्ट थर्ड। अब हम इसकी मज़ीद चीज़ें हैं, इसको ऐसा ऐसा इंशाल्लाह लेके जाएंगे और इसकी आगे जाके चीज़ें फर्दर जो हैं डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आई हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।